फार्मिंग इन पालमपुर। सो पालमपुर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली थी फार्म एक्टिविटीज और दूसरी थी नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो ये जो चैप्टर है ये उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। पहली जो ब्रॉड कैटेगरी है या जो पहला ब्रॉड टॉपिक है वो है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें कि हम फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं कि पालमपुर में किस तरीके से फार्मिंग होती थी या फार्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसमें पहला टॉपिक देख सकते हो कि लैंड इज फिक्स्ड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इसी तरीके से अलग अलग इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ब्रॉड टॉपिक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट ब्रॉड टॉपिक होगा हमारा वो होगा नॉन फार्म एक्टिविटीज का, कि पालमपुर में जितने भी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऐसे ही पॉइंट वाइज। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर 7 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन 7 को हम अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे ताकि हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा लैंड इज फिक्स्ड। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये तो हमें अब बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि जो पालमपुर गांव है वहां पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कि ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जितने भी लोग पालमपुर में काम करते हैं उनमें से 75% ऐसे लोग हैं जो कि फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, खेती पे डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। मतलब कि घर में दो रोटी कैसे आएंगी, वो आएंगी फार्मिंग के थ्रू इन लोगों के में। मतलब 75% लोग जो है वो खेती में इन्वॉल्व हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अभी जो 75% लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कि खेती में इन्वॉल्व हैं, अब ये दो तरीके से खेती में इन्वॉल्व हो सकते हैं। या तो उनका खुद का खेत है, या तो वो कोई ज़मीन को ओन करते हैं, या फिर वो फार्म लेबरर्स हैं, मतलब कि उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है बट वो दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं, दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं खेती का, ठीक है। तो ये जो 75% लोग हैं, वैसे तो वो ओवरऑल मान लो गाँव में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग वर्किंग हैं। अब इन 100 लोगों में से, मतलब ये 100 लोग काम करते हैं गांव में, अब इन 100 लोगों में से 75 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं, जो कि फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। बट इन 75 लोगों में से भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फार्मर्स हैं, जो कि फार्मर्स हैं। फार्मर्स मतलब मान लो कि उनके पास अपनी लैंड है, उनके पास अपनी ज़मीन है और वो उस ज़मीन पर खेती करते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फार्मर्स नहीं है बट वो फार्म लेबरर्स हैं, मतलब कि वो दूसरों की ज़मीनों में काम करते हैं, वो फार्मर्स की लैंड पर काम करते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी अगर किसी के पास ज़मीनें हैं उन पे वो खुद तो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, वो जो फार्मर है वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रख लेगा ताकि वो जो लोग हैं वो जो फार्म लेबरर्स हैं वो खेती कर सकें। तो फार्म लेबरर्स के पास अपनी लैंड नहीं होती बट वो दूसरों की लैंड पर जाके काम करते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब ये जितने भी लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं इन लोगों की जो well-being है, एक तरीके से इन लोगों का जो भला है वो बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है किससे, प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। इसका मतलब कि अगर इनके खेतों में जो भी कुछ उगेगा उससे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। well-being कैसे अफेक्ट है, मतलब कि मान लो एक खेत है, ठीक है, अब अगर हम फार्मर की बात कर लें, मतलब ये फार्मर की ज़मीन है और इस ज़मीन पे खेती हो रही है, तो अगर इस ज़मीन पे अच्छी खेती होगी, अच्छी पैदावार होगी, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्शन है वो निकल के आएगी, तो ये जो पर्सन है वो इसको बाज़ार में अच्छे लेवल पे बेच पाएगा और इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसकी लाइफ जो है और बेटर हो पाएगी। वहीं मान लो किसी टाइम किसी साल जो खेती है वो अच्छी नहीं हुई, पैदावार अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब कि कम पैसा मिलेगा इसको बेचने से और लाइफ कहीं ना कहीं इस पर्सन की अफेक्ट होगी। तो जितनी अच्छी खेती होगी उतनी अच्छी लाइफ होगी, उतना अच्छा वो साल जाएगा। अब अगर जो फार्मर्स हैं जिनकी लैंड है उन्हीं की लाइफ अगर खराब होगी, अगर प्रोडक्शन कम हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन इस बार कम हुई है, तो जो लोग इनके खेत पे काम करते हैं, जो फार्म लेबरर्स
जो फार्म लेबरर्स हैं, इनके खेत में काम करते हैं, उनको भी पैसा मिलने में दिक्कत आएगी। जब ये जो फार्मर है जिसकी ज़मीन है वही कम पैसा कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन लोगों को, इन लेबरर्स को भी कम पैसा देगा, कम वेजेस देगा। इन लोगों को कम पैसा मिलेगा तो इनकी लाइफ भी अफेक्ट होगी। इसका मतलब डायरेक्टली जो खेती है उससे इन लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। अगर खेती अच्छी होगी, अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो इन लोगों की लाइफ अच्छी होगी, अगर प्रोडक्शन बेकार होगी तो इन लोगों की लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा, वो भी नेगेटिव तरीके से। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे कि अगर जमीन है तो फिर इस पे खेती कम क्यों हो रही है, आप कुछ भी करके इस पे खेती बढ़ा दो, आप कम जमीन पे क्यों कर रहे हो, आप ज्यादा जमीन को ले आओ और फिर इस पे खेती करो तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना। आप ये भी सोच सकते हो कि अगर इतनी जमीन है तो इस पे तो खेती कम होगी, बट अगर और जमीन इसमें जोड़ देंगे तब खेती करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। आपकी बात सही है, बट नई जमीन लाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, मतलब कि नई जमीन खेती के लिए अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो ये जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाली बात है कि हम अगर जितना ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी उतना अच्छा होगा लोगों के लिए, बट दिक्कत यह कि ये जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने का है, करने की बात है, इसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये आसानी से हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाते, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट हैं। कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं हैं फार्म प्रोडक्शन को, मतलब पैदावार को बढ़ाने में। कैसे बाधाएं हैं, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर इस जमीन पे खेती हो रही है तो आप थोड़ी और जमीन पे खेती करने लगो, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो पैदावार है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट दिक्कत यह है कि और ज्यादा जमीन खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि जो जमीन है ना वो फिक्स्ड है, जमीन आप बना नहीं सकते, वो तो जो है वही है। आप नई फैक्ट्रियों में जमीन नहीं बना सकते, जमीन तो नेचुरल है, वो जितनी नेचर ने हमें दी हुई है उतनी ही रहेगी। अब मान लो एक गांव है, ठीक है, ये इतना बड़ा गांव है। अब इस गांव में तुम, मतलब जो लोग हैं वो हवा में तो रहेंगे नहीं, वो कहीं पे अपना घर भी बनाएंगे। मान लो यहाँ पे उन्होंने घर बना लिया, इतने एरिया में पूरे घर बना लिया। अब इतना जो पूरा एरिया बचा वो मान लो खेती के लिए बचा, बट इस खेती में से भी कुछ जगह जो है, मान लो कहीं पे कुछ रोड भी हैं, ऐसे कुछ एक रोड जा रहा है, साइड में कहीं पे कुआं भी है, कहीं पे थोड़ा सा तालाब टाइप भी है, है ना, पानी की जरूरत भी होती है, बिना पानी के कैसे जिएंगे, तो यहाँ पे तालाब भी है। इसका मतलब मान लो आपके पास ये वाली जो जमीन है बीच का हिस्सा वो बचा, ये जो है ये वाला हिस्सा खेती के लिए बचा। अब आप ये बताओ कि ये ही हिस्सा रहेगा, आप इसको कितना ही बढ़ा लोगे, आप गांव से बाहर तो जाओगे नहीं, मतलब अगर आपके गांव की बाउंड्री यही है तो गांव की बाउंड्री यही रहने वाली है, उसको आप कहीं से चुरा के नई जमीन तो लेके नहीं आ जाओगे। मतलब कि टेक्निकली जमीन जो है वो आपके पास इतनी ही रहेगी। अब इतनी जमीन में आपको पूरी की पूरी खेती करनी है या फिर और कहीं घर बनाने हैं या फिर फैक्ट्री बनानी है, वो सब अब आपके ऊपर है। मतलब कि अगर आप सोचो तो, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है ये चीज, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगी कि जमीन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हम, हमारे पास फिक्स्ड जमीन है, जितनी जमीन है हमें उसी में अपना काम चलाना पड़ेगा। हमारे पास अगर गांव की इतनी जमीन है तो इसी जमीन में हमें एडजस्ट करके अपने घर भी बनाने हैं, इसी जमीन में हमें रोड भी बनाना है, इसी जमीन में हमारा तालाब रहेगा, इसी जमीन में हमारा कुआं रहेगा, इसी जमीन में हमें हमारी खेती के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो इससे कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से हमारे पास जो जमीन है वो फिक्स्ड है, वो टेक्निकली फिक्स्ड है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. So 1960 से लेकर अभी तक जो पालमपुर विलेज है उसमें जो लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन है, मतलब कि जितनी जमीन पर खेती होती है वो बढ़ी नहीं है। मतलब जितना एरिया पहले 1960 के टाइम पे अंडर कल्टिवेशन था, मतलब जितने एरिया पे 1960s के टाइम पे खेती हो रही थी, अभी भी लगभग उतने ही एरिया पे खेती होती है, वो एरिया में इंक्रीज नहीं हुआ है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। अब था क्या कि 1960s तक जितनी भी वेस्ट लैंड थी, जितनी भी फालतू पड़ी हुई जमीन थी, उसको ऑलरेडी खेती के काम के लिए लिया जा चुका था। तो आप अपने वापस से इस एग्जाम्पल को देखो जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे लोगों के घर हैं, हाउसेस हैं, यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे कुआं है, ये बीच में एक रोड है। अब
अब 1960 से पहले क्या था, मान लो यहाँ पे कुछ जमीन थी जो खराब पड़ी हुई थी, मतलब इस जमीन पे खेती उस टाइम तक नहीं होती थी 1960 तक। तो हुआ क्या 1960 में, आप समझ लो, मान लो 1960 में क्या हुआ कि ये जो जमीन खाली पड़ी थी इस पे भी लोग खेती करने लग गए। मतलब पहले था कि बाकी सारे इलाके पे खेती हो रही थी जितनी भी बची हुई थी, बट इस इलाके को छोड़ के, ये जो बीच का इलाका है इस इलाके को छोड़ के बाकी सारे एरिया पे खेती हो रही थी। बट 1960s में क्या हुआ कि ये जो एरिया बचा हुआ था इसको भी अंडर कल्टीवेशन ले लिया, इस पे भी खेती की जाने लग गई। अब आप हमारे मैप में देखकर बताओ कहीं और ऐसी जमीन बची है जहाँ पे खेती की जा सके, कहीं नहीं बची। सारा जो एरिया है अब वो अंडर कल्टीवेशन आ चुका है, पहले जो एरिया वेस्ट था अब उसको भी 1960 में अंडर कल्टीवेशन ले लिया, मतलब कि अब पालमपुर में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे और हम उसको खेती के अंदर ले सकें। या तो अपने घर तोड़ो और यहाँ पे खेती करना शुरू करो, जो कि लोग नहीं करने वाले, लोगों को घर भी तो चाहिए रहने के लिए। तो मतलब कि अब 1960 के बाद कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे जो पालमपुर के लोग हैं वो अब और खेती कर पाए, जितने 1960s के टाइम पे उन्होंने वेस्ट लैंड को इंक्लूड किया था अपने कल्टिवेबल लैंड में, बस उतना ही वो एक्स्ट्रा जोड़ पाए थे, उसके अलावा कोई और इंक्रीज जो है वो कल्टिवेबल लैंड में नहीं हो पाया है। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया कि 1960s के टाइम तक जितनी वेस्ट लैंड थी वो सब इस्तेमाल में आ गई, तो अब कोई भी ऐसी जमीन नहीं बची जिसको कि अंडर लेके, मतलब कि जिसपे अब खेती करना शुरू किया जा सके और लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन को बढ़ाया जा सके, मतलब जितने एरिया के अंदर खेती होती है अब उसको बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं बचा है क्योंकि सारी जमीन यूज हो चुकी है। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन आपको दिया हुआ है लैंड मेजरमेंट को लेकर। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, तो मतलब आमतौर पर जो जमीन है उसे हम हेक्टेयर में नापते हैं। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बींग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंठा एट्सेट्रा, मतलब कि हम आमतौर पर, मतलब कि स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है हेक्टेयर, बट हो सकता है आप अपने गाँव में या आस पास के इलाके में सुनते हो कि आपके वहाँ की लोकल जो यूनिट है वो यूज की जा रही है, जैसे कहीं कहीं पे बीघा यूज होता है कि एक बीघा जमीन, कहीं कहीं पे कीला यूज होता है एक कीला जमीन, या कहीं पे गुंठा यूज होता है। तो इस तरीके से आपको लोकल जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं वो देखने मिलेंगे, बट अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है, मतलब नेशनल लेवल पे आप समझ लो, तो वो है हेक्टेयर में, या इंटरनेशनल भी हम जमीन को किस में काउंट करते हैं या मेजर करते हैं वो है हेक्टेयर यूनिट। अब आप बताओ कि आपके एरिया में कौन से लोकल यूनिट को बोला जाता है, यूज किया जाता है जमीन को मेजर करने के लिए। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी, ये तो रेक्टेंगल बन गया मान लो, मतलब स्क्वायर है जिसकी एक साइड जो है, इसकी एक साइड कितनी है 100 मीटर की है, एक साइड 100 मीटर की है। अब स्क्वायर है तो मतलब कि चारों साइड जो है वो 100 मीटर की है। सो हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, ऐसी जमीन जिसकी एक साइड जो है वो 100 मीटर्स की है। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 100 × 100 अगर हम निकालें तो 10,000 स्क्वायर मीटर्स जो है ऐसा मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है उसे हम स्क्वायर मीटर का है उसे हम कह सकते हैं कि वो एक हेक्टेयर जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसे ही बताया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हेक्टेयर क्या होता है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने एरिया से कि आपके यहाँ पे, आपके लोकल एरिया में किस यूनिट को यूज़ किया जाता है और उस यूनिट की मेजरमेंट क्या है। मान लो एक बीघा है तो एक बीघे में कितने मीटर आते हैं, उस तरीके से आप थोड़ा लगा सकते हो कैलकुलेशन। वैसे बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस मोटा मोटे तौर पे याद रखो हेक्टेयर स्टैंडर्ड यूनिट है, हेक्टेयर मतलब ऐसा स्क्वायर जिसकी एक साइड 100 मीटर की है। ठीक है, नाउ कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, तो अपने स्कूल ग्राउंड को पता करो कि कितने एरिया का है वो, कितने हेक्टेयर का है। आप ये समझ सकते हो कि आप जरा देखो कि आपके स्कूल का जो प्लेग्राउंड है या जो ग्राउंड है वो कितने एरिया का है, कितने हेक्टेयर्स का है। तो बस ऐसे ही आपको ये करना था, छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ था। बाकी मेन चीज तो आपकी ये समझनी थी कि भाई लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लैंड को आप बना नहीं सकते फैक्ट्रियों में, वो आसमान से नहीं गिरेगी, लैंड इज फिक्स्ड। तो जमीन फिक्स्ड है, उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। तो हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स क्या है, ये समझना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट हम यूज कर सकें।
इसका मतलब लैंड हमारे पास एक रिसोर्स है और इसको हम किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, कि कितने एरिया में हम घर बनाएं, कितने एरिया में रोड बनाएं, कितने एरिया में फैक्ट्री बनाएं, कितने एरिया में खेती करें, किस तरीके से इसको मैनेज करें ताकि हमें बेस्ट आउटपुट निकल के आए, बेस्ट हमारा जो डिजायर है वो पूरी हो सके, राइट। तो लैंड है फिक्स्ड, इसी को हमें यूज करना है खेती के लिए और इसी फिक्स्ड लैंड में ही हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सकें।